गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड यस, आज हम लोगों ने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आज हमारे पति देव अपना लुक चेंज करने वाले हैं। सो क्या करने वाले हो आज आप? और इसका जो उस दिन का टास्क बचा हुआ था ना, कि इसको कुछ लेना था, जाना था, मैं देने वाला था, वो इस व्लॉग में मैं इसको दूंगा। तो तैयार रहना, बने रहना। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रश करने। अभी ऑफिस से आए हैं एक्चुअली, और अब हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे। उसके बाद हमारी चाय हो चुकी है। इंस्टाग्राम पर आपने ऑलरेडी हमारा वीडियो देख लिया होगा। सो अभी हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश होके नाश्ता वगैरह करेंगे एंड उसके बाद प्लान करते हैं कि कैसा लुक इनको करना है एंड जाएंगे। ये मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा पार्लर वगैरह जाके करना है, पार्लर वगैरह जाके थोड़ा मैं भी अपने आप को संवारूं। मैं कोई उससे कोई हीरो नहीं बनने वाला हूँ। नहीं, ये बाल बड़े बेकार से लग रहे हैं। देखो ना, ये आप लोग ही बताना कमेंट्स में कि ये ऐसे बाल ठीक लग रहे हैं क्या आगे के? नहीं, मैं थोड़ी बियर्ड वगैरह भी थोड़ी छोटी करने की, और बहुत कुछ आज करने वाला हूँ दिन भर में, इसलिए देखते रहना। और ये भी बहुत कुछ करने वाली है इसलिए। सब मैं कुछ ज्यादा नहीं करने वाली हूँ। क्लीन अप वगैरह सोच रही हूँ करवाने का, देखती हूँ क्या करती हूँ। कुछ क्लीन अप नहीं, पैसे लगते, फ्री में नहीं होता। हमारा तो 50-60 रुपए में, 100 रुपए में काम हो जाएगा। ये बोलते हैं कि और पहले तो कमा और उसके बाद करना। हाँ? उसके बाद शौक करना। तो पति के पैसों पे कब शौक करूंगी मैं? इतना तो शौक कर रही हूँ, मुझे शौक करेंगी आप। सो गाइस देखते हैं, अभी तो हम लोग थोड़ा फ्रेश व्रेश हो जाते हैं। आगे भी इसी में सब कुछ नहीं। देख रहे हो, इनका ब्रश करने का तरीका बड़ा अलग है। पूरे घर भर घूमते घूमते ब्रश करते हैं ये, बाथरूम में ब्रश नहीं करेंगे। अभी देखो इनको। और ब्रश क्यों इतनी देर तक करते हैं? क्योंकि इन्हें बोला अच्छे से ब्रश होना चाहिए, है ना? नहीं, कचरा आज नहीं डालना मेरे को। कचरे का भी वीडियो बना लो। इनका मुंह धोना चल रहा है अभी, और इन्होंने मुझे कहा है कि ये मुझे आज कोई टास्क देने वाले हैं। तो पता नहीं ये क्या देने वाले। उस दिन पता है मैंने इनसे ना सारा काम करवाया, मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन धुलवाए, खाना बनवाया, सारी चीज़ें करवाई। देखो उधर से। पता नहीं ये मेरे को क्या देने वाले हैं टास्क। ठीक है, जो भी टास्क देंगे कंप्लीट करूँगी मैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं टास्क नहीं कंप्लीट कर सकती हूँ। सब चीज़ें आती हैं मुझे। ब्रश करने के बाद डेली इनकी रूटीन है कि ये गर्म पानी पीते हैं, और मतलब गर्म पानी जब तक पीते नहीं है, ब्रश करने के बाद कुछ भी खाते पीते नहीं है। तो सबसे पहले इनको 3 गिलास गर्म पानी देना पड़ता है। 3 गिलास तो मैं तो 1 गिलास नहीं पी पाती हूँ। 1 गिलास गर्म पानी नहीं पी सकती हूँ मैं। हमारे यहाँ 1 दिन के बाद में नल आता है, बोर भी है नीचे, मगर 1 दिन के बाद में आ जाता है नगर पालिका का नल होता है। और आज इन्हें बोर चालू किया है तो फटाक से भर लेते हैं। अंदर खूब बात चल रही है इसकी इसकी मम्मी से। अब देखा इन्हें कि रोते हुए वीडियो बना है। ये सुबह रो रही थी, पता नहीं क्यों रो रही थी, मगर रो रही थी। देख लिया तो माँ का प्यार उमड़ गया है। तो फोन आया है। खाना नहीं बना रही अभी तो, ये ऑफिस से आया है तो ब्रश व्रश कर रहे हैं। कुछ नाश्ता, मेन बात पूछो ना, जो फोन करने के लिए, जो पूछने के लिए वो किया है वो पूछो। क्यों रो रही थी बेटा? मैं तो कुछ नहीं पूछ रही थी। अच्छा, नहीं पूछ रही क्या? मेरे को लगा उसके लिए फोन किया होगा। आजकल माँ बाप को चिंता नहीं रह गई यार बच्चों की। ठीक है, आपको आगे बता के कोई मतलब नहीं है। इसने कुछ किया होगा बोले इसलिए रो रही। मैंने कुछ नहीं किया भाई। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया बेचारे ने। अभी भी बात चली रही है।
इस जगह बैठी थी, इस जगह से इस जगह हो गया, आधा घंटे से ज्यादा हो गया इनकी बात चली रही है। और कितनी देर चलेंगी, और कितनी देर चलेंगी? चल रही है अभी थोड़ी, आप लोग थोड़ी देर और चलेगी। आप लोग कितनी देर तक बात करते हो बताना जरूर। जो इंस्टाग्राम पे टास्क छूट गया था, इनने मुझसे सब कुछ करवाया था, अब मेरी बारी है, तो अब मैं इसको भिजवा रहा हूँ दुकान। अभी तो बहुत सारे टास्क देने हैं सिर्फ। वैसे मैं, मेरे यहाँ कभी ना मेरी मम्मी दुकान जाती थी, ना मेरी सिस्टर लोग गई है, मगर टास्क के लिए मैं इसको दुकान भेज रहा हूँ, वैसे भेजता नहीं हूँ। तो ये तैयार हो गई है जाने के लिए। दुकान जाने के लिए रेडी हूँ मैं। आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। ठीक है, तो दूध का पैकेट लेने के लिए भिजवा रहा हूँ इसको मैं। पता नहीं हम लोग क्या बनाने वाले, इसने बोला दूध का पैकेट लाना है। हाँ। तो मतलब तू जा, मैं नहीं जाने वाला। तो वैसे स्टार्ट मैं जाती नहीं हूँ ज्यादा दुकान वुकान। स्टार्ट हो गया, बड़ी बड़ी जगह पे जाती हूँ ना। तो अभी स्टार्ट हो गया है, अब देखते हैं, चलो निकलो जल्दी। पैसे कितने दिए? इन्होंने मेरे को सिर्फ गिनती की 25 रुपए दिए कि 25 रुपए का एक दूध पैकेट आ जाएगा। कितना झूठ बोल रही वाला हाथी। ये तो मेरे पैसे, ये मैंने निकाले, इन्होंने तो ये दिए सिर्फ। अब इसको दुकान भेज रहा हूँ, इसकी आदत है कुछ भी खाने की। ठीक है भैया, मैं को जो अच्छा लगेगा मैं बोला। चल ना निकल ना, चल हट। मोबाइल ले जाऊँ क्या? आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा और नहीं भी होगा, ये मेरी मतलब मेरी बहन सिमरन, वो वैक्सीन वगैरह की ड्यूटीज वगैरह में उसकी ड्यूटी लगती थी, तो वहां से उसको किसी ने, उसकी फ्रेंड ने दिया था, तो उसने मुझे दिया है। तो आज हम लोग इसको बना के देखते हैं। इतना सब बताने की जरूरत नहीं है, सत्तू है जो है, आप कहाँ उसमें मिलता है? आंगनवाड़ी में मिलता है। अब हमारे तो बच्चे है नहीं, अब हमको मिल गया है। देखा, बच्चे नहीं तो कैसा हमारे तो बच्चे है नहीं, तो अभी बना रहे हैं। कैसे बनाने वाली है इसको? इसको जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, मतलब घी में थोड़ा भून के फिर उसके अंदर पानी। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़े इसके शॉट दिखा देता हूँ। डाला जा रहा है घी, इतना सारा घी। हलवे में घी डलता ही है इतना। मैडम अब क्या क्या डालने वाला है इसके अंदर शेफ? इसके अंदर मैं कुछ ज्यादा डाल नहीं रही, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाल रही, नॉर्मल इलायची वगैरह डालूंगी बस। और क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है कि इसको बनाते बनाते कैसे है, तो जैसे हलवा बनाते मैं वैसे ही बना रही हूँ उसको। हलवे में तो ड्राई फ्रूट डलते हैं। हाँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ओरिजिनल टेस्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेन बात ये है कि हमारे पास में भी ड्राई फ्रूट है नहीं है ना, ये बताने में थोड़ी सी सोच रही है, मेरी आदत है, मैं जो सच्चाई है बस वही दिखाता हूँ। तो हमारे पास ड्राई फ्रूट है नहीं, तो हम लोग के पास में सिर्फ क्या है अभी? किशमिश है, इलायची है, किशमिश है, तो हम सिर्फ वही चीज इसमें डालने वाले हैं। तो और उसके बाद यानी कि बस ये हो गया है कि अभी चल रहा है, अभी अच्छे से भूनूंगी, फिर उसके बाद उसमें पानी, इलायची, ये सब चीजें डालती हूं। चलो ठीक है, अभी जब रेडी हो जाएगा मैं आपको तब दिखाता हूँ। यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊंगा, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। चलो ये बन गया है अभी। ये बन गया है अभी, फिर देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट। ये सत्तू हलवा इज रेडी, चलो खा के देखते हैं कैसा है। अब खा के बताओ कैसा बना है। मैं भी बहुत टाइम बाद खा रही हूँ, और आपने तो शायद कभी खाया ही नहीं है इससे पहले ना। जा रहा हूँ मेरे फ्रेंड को लेने के लिए, तो आज क्योंकि कुछ थोड़ा सा काम है,
ये पंखे का कैपेसिटर चला गया है तो ये करना है और कैपेसिटर लेना है, ये ट्यूबलाइट को यहाँ सामने के रूम में लगाना है और कुछ काम है और सिलेंडर भी ठीक करवाना है। सिलेंडर थोड़ा कम जल रहा है उसका बर्नर। और जो उस दिन कर्टन लिए थे ना पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना, तो वो कर्टन्स को भी फिक्स करना है, वो नेल्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी ठीक करवाएंगे, तो देखते हैं। तो मैं उसे जा रहा हूँ लेने के लिए और आगे बहुत कुछ पंखे काम चालू है। हमारी गैस का रेगुलेटर थोड़ा खराब हो गया था, यानी रेगुलेटर नहीं पाइप, तो ये भाई साहब अभी इसको ठीक कर रहे हैं और पंखा हो गया है और ट्यूब लाइट भी थोड़ा सा बचा है तो वो डबल साइडेड टेप लाके मैं चिपका दूंगा, छेद ना करना पड़े। फाइनली पूरा काम हो चुका है। तो भैया पैसे कितने हुए? चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या क्या हुआ है। ये यहाँ पर ठीक है, और कुछ बस ये भी हो गया है, गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत होंगे तो आगे देखेंगे। अब मिर्ची बड़े तो मार्केट गए थे ना पिछले ब्लॉग में, तो उसमें ना मैंने इनको बोला था मुझे मिर्ची भजी वगैरह खाना है, तो उस दिन इन्होंने दिलाए नहीं थे और आज ये बिना बोले लेके आ गए हैं मेरे लिए। थैंक यू। दिलाए नहीं थे, नहीं वो बने नहीं थे एक्चुअली, दुकानें नहीं लगी थी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद है मिर्ची की भजी। मैं सेविंग करने दो बार घर से मगर दोनों बार काम में बिजी थे अभी भी नहीं हुआ। अब हम सोच रहे कि ये भी जाएंगी, मैं भी जाऊंगा, साथ में जाएंगे, ठीक है। फाइनली डन, गुड जॉब ना इसमें छेद हुआ ना कुछ हुआ, डबल ये एक जुगाड़ है। डबल पट्टी लगा करके इसको डबल साइडेड टेप लगा के ट्यूब लाइट अच्छे से लग गया है। सब लोग बोलते हैं कि आप इतने टाइम से आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, इधर काम कर रहे हो, उधर काम कर रहे हो, यार आज नहीं होंगे कल नहीं होंगे परसों होंगे, कभी ना कभी तो सक्सेस आएगी और नहीं भी आई तो हमारे बच्चे तो देख के खुश होंगे यार कि कैसे थे हमारे माँ बाप, कुछ पागल थे क्या थे? आप लोग को क्या लगता है हम क्या है? कमेंट में जरूर लिखना इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हर एक छोटे छोटे पलों को जीना, जब पैसे की कमी हो, जब पैसे आ जाए, जब सर हर पल को जीना, हमने हर सिचुएशन में हर पल को जिया है और खुश रहे, दुखी भी हुए है मगर कोशिश ये किया है कि सब ठीक हो जाएगा, एंड तक तो सब ठीक हो ही जाएगा, अभी तक यही होप कर रहे हैं हम लोग। तो ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है, आप लोग के ऊपर है कितने आगे तक पहुंचा सकते हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप लोग के कहने पर ही हम लोग ने व्लॉगिंग चालू करी, नहीं तो हम लोग का जो सोच था व्लॉगिंग की तरफ तो बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं, तो सोचा ही नहीं था, सोच ही नहीं थी हमारी कि क्या कहां से कहां तक के कैसे कैसे पहुंचे, बहुत कुछ आगे पता चलेगा। अभी तो लव स्टोरी भी आएगा कि नहीं होते हैं, मगर ये तो अब व्यूअर्स के ऊपर है उन लोगों को। एक सॉन्ग हुआ था हमारा, एक सॉन्ग नहीं, लव मैरिज के फायदे तो उतने ही नुकसान है लव मैरिज के, बहुत सोच समझ के करना, मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम दोनों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आजू बाजू में ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इफेक्ट करता है। एक तो सबसे दूर हो जाना या फिर तो सबके हिसाब से चलना, उन्हें बोला उठ तो उठना, उन्हें बोला बैठ तो बैठना, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगा। चलो खाना बन रहा है, रोटी बना रही है, और क्या बनाया, कढ़ी बनाई है, रोटी बनाई है, कढ़ी है, चावल तो मना कर दिए इन्होंने, चावल अभी नहीं बना रहे। मैडम क्या बोल रही है, मुझे वजन कम करना है, हाँ तो क्या बताऊँ मैं, तो आप ना मेरे को ऐसा मतलब ऐसा मेरे साथ करो कि आप जो बोल रहे ना कि ये चीज मत खाओ तो मैं वो चीज नहीं खाऊंगी, तो फिर फल देना पड़ेगा मेरे को तेरे, हाँ
जैसी तो दे देना, ऐसी ऐसे हाँ तो दे देना, लेकिन मेरे को वो चीज नहीं खानी है जिससे मोटा हो रही हूँ मैं, मेरे को दुबला होना है थोड़ा सा प्लीज। ये मोटी ठीक है कि दुबली ठीक है? नहीं 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 दुबली। कमेंट करके जरूर बताना। हाँ और अभी कितने बजे इसके बर्तन साफ हो रहे हैं? ये तो सुबह के है, सुबह के इस सुबह से अभी तक बर्तन अब जाके साफ हो रहे, देखा देखो इतना आराम मिल रहा है, तो मोटी नहीं होंगी, भैंसी बनेंगी तो भैंसी। हम लोग जा रहे हैं इसके लिए पार्लर, और मैं शेविंग कटिंग, मेरा ये पार्लर ही होता है ना, सैलून। हाँ, सैलून जा रहा है, सैलून ही सैलून। हम लोग आ गए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगने वाले थे 2 घंटे, इतना ज़्यादा नंबर था, और मेरे को भी 1 घंटा समथिंग कुछ लगने ही वाला है पार्लर में, मतलब नंबर्स लगे हुए हैं। तो हमने सोचा है सब तक हम लोग रील्स वगैरह कुछ बनाना है हम लोगों को, तो वो बना लेते हैं। इधर आए हैं लोकेशन पे, तो ये यहाँ पर आए हैं, और इस साइड एक डैम मंदिर आपको दिख रहा होगा, यहाँ डैम है, तो कुछ वीडियोस बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। इग्नोर करना यार, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जिसकी हद नहीं, मेरी टी शर्ट ही समझ नहीं आ रही होगी, टी शर्ट आज गलत पहन ली है। तेरा चेहरे पर भी देख कैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। कभी हाथ दुखते हैं, कभी पैर दुखते हैं, तो मैंने लगा भाई तू सबसे पहले मेडिकल से टैबलेट ले ले, क्योंकि मैंने लगा तू बाद में परेशान करेंगी। ठीक है, ले लो आप। सो गाइस, वी आर बैक टू होम, और मैंने कुछ टैबलेट्स खरीदी है। ये टैबलेट्स है, जब भी मैंने वेर आई गॉट माय पीरियड्स, तो उसमें मुझे बहुत पेन होता है, हाथ पैर वगैरह मेरे बहुत पेन करते हैं, तो उस टाइम पे मुझे इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैं हमेशा रखती हूँ घर में। और एक मैंने ऐसा टेबल भी लिया है, पीड़ा बोलते हैं इसको, तो ये बैठने के लिए भी बहुत ज़रूरत का था, तो ये सारी चीज़ें ली है। सो ये लेट हो गए हम लोग, मैं भी आ गया हूँ, तो मैंने थोड़ा सा लुक चेंज किया है, थोड़ा सा बालों का सिर्फ, और शेविंग तो जैसे कि वैसी है, और मैंने कुछ नहीं ज्यादा कराया है, थोड़ा सा बस क्लीन अप करवा लिया है फेस पे, देख रहे हो ये ग्लो जो दिख रहा है, तो बस और कुछ करवाया नहीं है ज्यादा, और थ्रेड बनवाई है थोड़ी। सो बस अभी हम लोग दिन भर से, आज बहुत ही बिजी स्केड्यूल रहा, मतलब बहुत सारी बिजी तो हर दिन रहता है, इसीलिए ब्लॉग बनाते हैं कि आज हम पूरा काम बताते हैं कि आज हम लोग कैसे किस तरीके से घर को मेंटेन करने वाले हैं। जैसे कर्टन लगने वाले थे तो लग चुका है, फाइनली हो गया है, अब जहाँ दूसरी जगह के लगने वाला है वहाँ की तैयारी है, तो गाइस अब वो नेक्स्ट ब्लॉग बना रहे खाना, और उसके बाद हम लोग अब आराम करेंगे। खाना बनने वाला है सोयाबीन की बड़ी, बना रहे हैं, और दाल दाल चावल चावल रोटी, सुबह की कड़ी बची हुई है, तो फिनिश करना, बहुत टेस्टी बनी थी बाय द वे, बहुत अच्छी बनी थी। सो यस गाइस, ये था हमारा डेली रूटीन जो हम लोग करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड इस व्लॉग में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा है, एंड मेरे कर्टन्स कैसे लगे हैं ये कमेंट में जरूर बताना प्लीज, एंड यस सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। सो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय।